जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी गिल की खेती जो बेट पर लगाई है और बांस पे तार लगाकर उनको बांधा है। ये देख रहे हैं, ये साड़ी की फटी हुई साड़ी की डोर बना बना के इनको लपेटकर ऊपर चढ़ाया है। इससे क्या होगा कि हमारे जो गिल की लगी हुई है ये ज़मीन पर टच नहीं होगी और मिट्टी में नहीं होगी तो ये गलेगी नहीं और मुड़ेगी नहीं, एकदम सीधी रहेगी। इसको लगाए हुए हैं करीबन एक महीना और 10 दिन हो गए हैं और देख लीजिए हमारे यहाँ गिल की लगनी चालू हो गई है और फ्रेश बिल्कुल एकदम। इसमें हमने एक बार स्प्रे किया है, बीमारी नहीं है इसमें, इसलिए ज़्यादा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और सभी में फ्रूट आना चालू हो गए हैं, गिलकी चालू हो गई है और शानदार है। बेट पे लगाने का मुख्य कारण यही रहता है कि जो नाली रहती है ये जो अंदर वाली और ये बेट रहता है, ज़्यादा अगर बारिश होगी तो अपनी फसल ख़राब नहीं होगी, गलेगी नहीं और जितना भी पानी गिरेगा इस नाली में निकल जाएगा और बाहर हो जाएगा और अपने पौधे सुरक्षित रहेंगे। इससे हमारा उत्पादन अच्छा आएगा और अपने को आमदनी अच्छी मिलेगी। अब ये 8 दिन में चालू हो जाएगी, फिर अब तोड़ाई चालू हो जाएगी इसकी। बहुत शानदार गिलकी लगी हुई है हमारे खेत पर, देखिए सभी जोरदार पौधे हैं, सबको हमने बेल से ऊपर चढ़ा दिया इनको तार पे अच्छे उत्पादन के लिए। हम शुरू से ही गिलकी की खेती करते हैं, सालों से कर रहे हैं और अच्छी इनकम आती है। एक बार आपने ये मेहनत कर ली तो आपको 8-9 महीने तक ये लगातार फसल आपको उत्पादन देती रहेगी और आपका अच्छा मुनाफा होगा और बार बार फसल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक फसल लगाओ और 8-9 महीने साल भर तक चला सकते हैं, अच्छी देख रेख करोगे आप तो, और जोरदार उत्पादन आएगा इसका। सभी में फुटिंग आ गई है, सभी में गिलकी लगने कर चालू हो गए हैं ये, और देखिए कितने शानदार हैं, एकदम खूबसूरत बिल्कुल। सभी की छाल है अच्छी है।